एटीसी लाहौर का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की मुतालिका एसएचओ को वारंट की तामील कराने की हिदायत। अदालत ने अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। तो एटीसी लाहौर का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, क्या ऑर्डर सामने आया? जी बिल्कुल, लाहौर के इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के मुकदमे में तलबी के बावजूद पेश न होने पर मरियम औरंगजेब के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्म में ये कहा गया है कि 4 दिसंबर को मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने मुतलका थाने के एसएचओ को वारंट की तमीर करवाने के भी अहकाम जारी कर दिए। इस हवाले से मकामी पुलिस ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, जबकि गुज़श्ता समाअत पर जावेद लतीफ के पेश होने पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए थे, लेकिन मरियम औरंगजेब फिर भी पेश नहीं हुई थी, जिस पर उनके नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके मकामी पुलिस को 4 दिसंबर को मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक।